आज हम बनाएंगे मुंबई की स्पेशल स्ट्रीट फूड रगड़ा पेटिस, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रगड़ा पेटिस। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रगड़ा। तो रगड़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया है सफ़ेद वाला मटर। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगा दिया था और ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हमें इसे कुक करना है। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर और ये सारे मटर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें मटर से सिर्फ 1 इंच ऊपर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक मैंने 1 चम्मच डाला है और आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे, यानी कि खाने वाला सोडा। और इन सब चीज़ों को डाल के हमें ढक्कन से कवर कर देना है और इसे हमें सीटी लगा लेना है। तो 1 सीटी आने तक के हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद में हम स्लो कर देंगे। तो 3 से 4 सीटी हम लगा लेंगे। तो मटर हमारा रेडी है, ये देखिए, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए मटर अच्छे से गल गया है और हमें इसे इतना ही गलाना है। अगर ये ज़्यादा गल जाए तो भी कोई बात नहीं, ये एडजस्ट हो जाता है। और ये हमारा मटर अब रगड़ा बनाने के लिए रेडी है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में। तो तब तक के हम पेटीज बना लेते हैं। तो ये पेटीज बनाने के लिए मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इसे मैंने उबाल लिए हैं। तो हम ले लेंगे पैन और इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कर देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। और आधी चम्मच हम इसमें अदरक ग्रेट किया हुआ ऐड कर देंगे। तो ये मैंने अदरक डाल दिया और इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू को हमें पहले से मैश नहीं करना है, इसे हमें हाथों से इसी तरह से फोड़ते हुए डालना है। तो ये सारे आलू मैंने हाथों से फोड़ के डाल दिए हैं। अब इसे हमें चला के मिक्स कर देना है। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक हमें बस इतना ही डालना है और अब इसे हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो इसे हमें हल्के हाथों से मैश करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे मैंने मैश कर दिया है और अब हम इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो कुछ देर बाद ये ठंडा हो गया है और अब हम इस तरह से हाथों पे थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टफिंग लेके हम इस तरह से इसे राउंड में इस तरह से शेप देते हुए टिक्की बना लेंगे। आप अपने हिसाब से कमियां ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे टिक्की बना के हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से सारे बना के रेडी कर लिए हैं और अब हमें इसे सेल्फ फ्राई करना है। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक पैन और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तो तेल हमें कम ही डालना है और इसे हम पैन में इस तरह से फैला देंगे और गर्म होने देंगे। तो अब हम इसमें एक एक टिक्की करके डाल देंगे, जितना इसमें आ जाए उतना हमें इसमें डाल देना है। और अब हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब ये एक साइड से हो जाए तो इसे हम दूसरी साइड भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का ही फ्राई करना है। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो ये हमारा पेटीज बनके रेडी है और अब हम सर्व करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। और ये अब हमारा रगड़ा भी रेडी है, पेटीज भी रेडी है। और ये ले लिया हमने बारीक कटी हुई हरी धनिया, 0 साइज़ का हमने सेव ले लिया है और बारीक कटा हुआ हमने कांदा ले लिया है, 1 चम्मच काला नमक। और ये ले लिया हमने भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। और अब हम ले लेंगे खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी, ये होममेड चटनी है, इसे मैंने घर पे ही बनाया है।
तो इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख के इसे बना दे सकते हैं। और ये है ग्रीन चटनी, तो बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी चटनी बन के रेडी हुआ है, आप इसे घर पे ही बनाइए। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक प्लेट और उसमें हम डाल देंगे रगड़ा, इसके ऊपर से हम पेटीज को रख देंगे, तो आप अपने हिसाब से 2 या 3 रख सकते हैं। इसके ऊपर से हम हरी चटनी ऐड कर देंगे और इसके ऊपर से हम ये खट्टी मीठी लाल चटनी डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दी है चटनी, इसके ऊपर से हम 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1 पिंच हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे और 1 पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 पिंच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और इसके ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर प्याज आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। इसके ऊपर से हम बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे सेव। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार टेस्टी रगड़ा पेटीज बन के हमारा रेडी हुआ है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और रगड़ा पेटीज आप घर पे बनाइए और हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सेमई कस्टर्ड फ्रूट की रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो ये गैस पर कढ़ाई रख के मैंने इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दी है और ये मैंने बाजार की वर्मसली सेवई ली है, आप कोई भी मोटी वाली सेवई ले सकते हो। तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो हमें इसे इतना ही भूनना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप दूध, ये बड़े कप से लिया है मैंने। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए चला देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 उबाल आने तक पकने देंगे। तो ये इसमें 1 उबाल आ गया है, इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है, गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे तब तक कि हम कस्टर्ड घोल बना लेते हैं। ये मैंने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप 1 कप एक्स्ट्रा दूध डाल दीजिए। अब हम इसे अच्छे से घोल लेंगे। तो ये सेवई हमारी अच्छे से पक गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें वनीला और मिल्क पाउडर का घोल डाल देंगे और इसे हम हाई स्पीड से इस तरह से चलाएंगे। इसे हम छोड़ देंगे तो ये जम जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो इसे हमें इसी तरह चलाते रहना है। इसी स्टेज पर हम चीनी डाल देंगे, ये 2 बड़े चम्मच चीनी है। इसे हम मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके 1 मिनट तक पकने देंगे। तो ये 1 मिनट हो गया है, इसे हम चला लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसे मैंने एक बाउल में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और इसे फ्रीज में रखकर 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तो ये 15 मिनट हो गया है, मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब हम सर्विंग कर लेते हैं। ये हम डाल देंगे सब्जा, जिसे मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। इसके ऊपर से रूहे अफजा डाल देंगे, आप कोई भी फ्लेवर का सिरप डाल सकते हो। फिर इसमें हम कस्टर्ड सेवई डाल देंगे, इसके ऊपर से फ्रूट डाल देंगे, ये मैंने सेब और अनार डाला है, आपके घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। बस इसे पहले से डाल के मत रखिए, जब सर्व करना हो तभी डालें। तो ये सेवई कस्टर्ड डाल देंगे, थोड़े से रूहे अफ़ज़ा, इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़े से फ्रूट, आप जैसे चाहें वैसे सजाकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा कस्टर्ड फ्रूट।